नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। पाकिस्तान अपने विवादित बयानों के लिए जाना जाता है। यह भूखा लंगा पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावट भुट्टो ने एक बार फिर अमर्यादित बयान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया है। यह आपत्तिजनक बयान न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया है। इसको लेकर 135 करोड़ भारतीय जगह जगह पर पुतला दहन कर रहे हैं। पाकिस्तान की हालत किसी से छुपा हुआ नहीं है। इनकी आंतरिक सुरक्षा है और वित्तीय हालत बद से बदतर होते जा रहा है। पहले उनको अपने भूखा लंगा पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए। भारत विश्व के सबसे तेज गति से बढ़ने वाली देशों में से एक है। इसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष पंकज सिंह के नेतृत्व में सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पुतला दहन किया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है, हम संघ के ऊपर अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है, उसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे राष्ट्र में, पूरे जिले में उनका पुतला दहन कर रहा है, अपना विरोध दर्ज करा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज सिंह हुआ। हम यहाँ के भारतीय जनता युवा मोर्चा के रोहतास के जिला अध्यक्ष हो गए। पुतला दहन ये बिलावल भुट्टो का किया गया, जिन्होंने प्रधानमंत्री और संघ के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी का जो उन्होंने जो बात कही है, ये एक पाकिस्तान के जैसे राष्ट्र के विदेश मंत्री के को शोभा नहीं देता है। और उनको हम हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ जो भी गलत टिप्पणी करेगा उसको हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। और बिलावल भुट्टो को जो है हमने पुतला दहन का कार्यक्रम किया। विजय सिंह, जिला महामंत्री भाजपा रोहतास। इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान के मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और यह नारे पूरे भारत में लगाए जा रहे हैं। आपने सुना, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लग रहा है और बिलावट भुट्टो का पुतला जलाया जा रहा है। पूरे देश में हर जगह पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। कहां देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर भी पुतला दहन किया जा रहा है। तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।